हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 1 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट सलाहकार फर्म जॉन्स लैंग लासेल इंक द्वारा 2018 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें भारत की रैंकिंग है 35, और इसमें भारत का रियल एस्टेट बाजार वर्तमान में अर्ध पारदर्शी क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद विज्ञान आलोक किताब के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा, अग्निवर्त नैष्ठिक, और पुस्तक वेदों के गद्य में लिखित कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर की 24वीं वार्षिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा, सबसे महंगा शहर है मुंबई, और इसके बाद नई दिल्ली और चेन्नई का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षी जिलों कार्यक्रम की नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग यानी वृद्धिशील प्रगति में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा, गुजरात का दाहोद जिला, और सिक्किम का सिक्किम जिला दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, मध्य प्रदेश सरकार को, और मध्य प्रदेश में 2014 से 2016 तक मातृ मृत्यु दर में 48 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछड़े जिलों पर पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, यह नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दाहोद जिले को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल 108 जिले इस रैंकिंग में शामिल है। तो इसमें आपके ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आई प्लीज फॉर 9 अवार्ड्स का वितरण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसमें आंसर आएगा, यह खिताब भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने GNFC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह गुजरात राज्य से संबंधित है। GNFC यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने ग्रामीण कृषि बाजारों को ई नाम पोर्टल से जोड़ने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों को। ई नाम या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज के लिए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डबलिंग रेगुलेशन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, डबलिंग रेगुलेशन शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है, यह किस शहर से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा, यह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस देश के साथ हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, UAE के साथ यानी यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा, $480 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली अपनाई गई है? तो इसमें आंसर आएगा, पंजाब राज्य द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों के तहत क्षय रोग यानी टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा वर्ष वैश्विक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 2030। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही टीबी को खत्म करने के लिए भारत के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी भारत ने अपना लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत में टीबी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए 2 क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, मिशन शौर्य निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई योजना है? आपके ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सुशीला चानू, रितु रानी, रानी रामपाल, प्रीति दुबे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।